अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए चौंकाने वाली हो सकती है। इतनी चौंकाने वाली कि हो सकता है अब आप मीट से तौबा ही कर ले। फिल्म रन में कौवा बिरयानी के एक सीन को बेहद पसंद किया गया। चिकन बिरयानी भैया, वो कौवा बिरयानी है, अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद। लेकिन अगर ये सच में बिकने लगे तो नॉनवेज खाने का शौक रखने वालों के पसीने छूट सकते हैं। कौवा बिरयानी के इस कथित सच ने नॉनवेज मार्केट ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट्स की बिक्री को भी हिलाकर रख दिया है। दरअसल कोलकाता में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, जहां कई रेस्टोरेंट्स में कुत्तों और बिल्लियों के मीट से बनी डिश ग्राहकों को पेश की जा रही है। जी हाँ, ये सच है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक छापेमारी में करीब 20 टन ऐसा विवादित मीट बरामद किया गया जिसमें कुत्ते और बिल्ली का मीट भी शामिल बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद कोलकाता में 80% नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी 50% की गिरावट आ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो यहां बकरा, मुर्गा और अन्य जानवरों के मीट से होने वाली कमाई आधे से भी कम हो गई है। साथ ही बड़े से लेकर छोटे रेस्टोरेंट्स को भी इस मार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी होटलों और रेस्टोरेंट से कहा है कि वे रजिस्टर्ड सप्लायर से ही मीट खरीदें। उधर प्रशासन का कहना है कि बरामद किए गए मीट को जांच के लिए भी भेज दिया गया है, इसीलिए अभी किसी भी निष्कर्ष पर जाना ठीक नहीं होगा। अभी तक इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एक शख्स का संबंध राजनीतिक दल से भी है, जिसके नाम का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी SIT लगातार छापेमारी कर रही है और मामले को सुलझाने में लगी है। लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आई उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग रेस्तराओं में मीट खाने से पहले 10 बार सोचेंगे, और सोचना भी चाहिए क्योंकि मामला आपकी सेहत का है।